हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बीसीएस में सेल्फ लर्निंग। इसके पहले मैंने बीसीएस का एक वीडियो बनाया था शॉर्ट एनालिसिस, एंड हमारा आज सेकंड का टॉपिक है सेल्फ लर्निंग। हम बात करते हैं सेल्फ लर्निंग होता क्या है। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हो सेल्फ लर्निंग, इसमें आप बुक्स है, कंप्यूटर सिस्टम है, पेंसिल्स वगैरह है, सर्च है। मीन्स सेल्फ लर्निंग, खुद सेल्फ से लर्न करना, खुद से सीखना। खुद से कैसे सीख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप तो पहले क्या है, सेल्फ लर्निंग मीन्स खुद से लर्न करना, सेल्फ लर्न करना। अगर हम सेल्फ लर्निंग अगर मैं करना अच्छे से जान जाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। सेल्फ लर्निंग एक इस टाइम मॉडर्न यूज में, मतलब इस टाइम जो हमारा चल रहा है, हमारा यूट्यूब है, गूगल है ना, मैं कुछ भी सर्च कर सकती हूँ उस पर सिंपली। पहले क्या होता था, हमारे टीचर्स होते थे, तो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, अभी भी टीचर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर नहीं होते, टीचर होते हैं, बट पहले अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो हम वो प्रॉब्लम मेरी टीचर ही सॉल्व कर सकती थी, है ना। मैं खुद से, मेरे पास अब यूट्यूब नहीं था, नेट नहीं था, तो मैं कैसे पढ़ ही नहीं सकती थी मैं। तो पहले जॉब मैम के पास लेके, मैम मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा था, मैम समझाती थी, तो ऐसे हमारे रिसोर्स नहीं थे पढ़ने के लिए। सेल्फ लर्निंग हम कर नहीं पा रहे थे। अब घर में पढ़ रही हूँ, कुछ अब फंस गया, अब लो बैठ जाओ, अब सुबह होगी फिर क्लास जाऊंगी, फिर पूछूंगी, फिर होगा। बट अब क्या हो गया है कि हम खुद से लर्न कर सकते हैं। खुद से लर्न कहाँ से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। इसलिए हम इंटरनेट को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि वो ने मुझे, इंटरनेट ने हमें एक ऐसा मौका दिया, खुद से लर्न करने का मौका दिया, खुद से लर्न करके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाने का मौका दिया। जैसे ऑलमोस्ट अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सपोज दैट मुझे शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे गए, शॉर्ट एनालिसिस लिखा, सर्च किया, आ गया, क्या मैंने पढ़ लिया। मेरा कोई डाउट है, गूगल पे गया, उसको डाउट लिखा, सर्च किया, एरर आ रहा है प्रोग्राम में, उसको सर्च किया, वॉच किया, आ गया, यूट्यूब ट्यूटोरियल वॉच कर लिया, आ गया। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है, हम खुद से लर्न कर सकते हैं, और इसकी कोई टाइमिंग नहीं रहती है। अगर सपोज डेट हमको दिन भर काम से टाइम नहीं मिला, मम्मी आई, मेहमान आए, चाचा आए, चाची आई, मामा आए, मामी आई घर में, तो टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने का, तो आप क्या करें, रात में सोते टाइम एक घर 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, तो इससे मैंने सेल्फ लर्न कर लिया। इसका हमारा आता है, इससे हम स्किल डेवलप कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग करके, डिसिप्लिन में, मतलब हम पहले अपने आप को चैलेंज करेंगे। चैलेंज बोले तो अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो हम उसको चैलेंज करेंगे, डाउट आ रहा है तो मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगी, चैलेंज करके कि मुझे ये डाउट आज क्लियर करना है तो करना है, मैं चैलेंज करूंगी, यूट्यूब पे सर्च करूंगी। अगर यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करने के बाद भी मेरा डाउट क्लियर नहीं, तो मैं मैम से पूछूंगी, तब मैं मैम से कॉन्टेक्ट करूंगी। बट ऑलमोस्ट डाउट यूट्यूब और गूगल पे सर्च करके क्लियर हो जाते हैं। हमारा आता है हाउ टू सक्सेस लर्न बाय ऑल, मतलब हम कैसे मतलब लर्न कर सकते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं, सेल्फ लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग हमारा एक चैलेंज एक्सेप्ट कर, अगर मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर ली कि नहीं मैं ऐसा करूंगी, हमारे मतलब अगर ये है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, मुझे डाउट है तो मैं उसको सॉल्व करूंगी, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे हम काफ़ी अच्छे से सेल्फ लर्निंग कर लिया। अगर मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे सेल्फ लर्निंग करने में इंटरेस्ट है, मुझे यूट्यूब के वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, इस तरह से हम सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। गेट रेडी टू लर्न, पहला हमारा आता है गेट रेडी टू लर्न, हम किस तरह से रेडी कर लर्न कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं पढ़ने के लिए। तो उसके लिए पहले मुझे सब पता होना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है। अगर आपको पढ़ना है बीसीएस में शॉर्ट एनालिसिस और आपको पता नहीं ना कि ये है क्या, हमारा टॉपिक क्या है, हम बस बीसीएस सर्च कर रहे हैं, बीसीएस, उसमें बीसीएस से बहुत सारे टॉपिक्स आ जा रहे हैं, तो पहले मुझे ये पता हो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, वो पता हो, फिर उससे हम आसानी से लर्न कर सकते हैं उसके, और फिर मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगी हमारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैंने शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा, हमारे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, शॉर्ट में कैसे अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, मैंने उसकी इंपॉर्टेंस जाना ना, हमारे लिए यूज क्यों, हमारे सब्जेक्ट में आए, हमारे एग्जाम में आएंगे, हमारे लिए यूजफुल है, पहले मैं उसकी इंपॉर्टेंस जानूंगी, हाँ इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं उससे अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ ना, कि भाई इसकी इंपॉर्टेंट है मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज पहले मुझे देखनी है। फिर खुद को मोटिवेट करना है, इंटरनल मोटिवेट करना है, नॉट ना कि एक्सटर्नल, इंटरनल मोटिवेट करूंगी मैं कि हाँ मैं खुद से पढ़ाई कर सकती हूँ। मोटिवेट दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मुझे इंटरनल मोटिवेट करना है अपने आप को रेडी होने के लिए, पढ़ने के लिए कि हाँ मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब एक तो है एम, पढ़ाई करूंगी तो करूंगी, कैसे भी करूंगी लेकिन मैं करूंगी। ओके, हैव क्लियर लर्निंग गोल्स, हम किस तरह से अपनी जो मतलब जो क्लियर अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं,
देखो जैसे कि हम हेल्प ले सकते हैं अपने टीचर से ले सकते हैं, बट हमारे यूट्यूब पे भी स्किल नॉलेज देख के मैंने काफी अच्छे से स्किल डेवलप कर सकते हैं हम, है ना। हम जैसे स्कीम वगैरह देख लिया कैसे हमको पढ़ना है, क्या है हमारे प्रोग्रेस, क्या है इसको पढ़ने के लिए, कहाँ से हमको नॉलेज गेन करना है, किस जगह से मुझे लर्न करना है। पहले मुझे वो क्लियर करना है ना कि हमारे गोल्स क्या है, मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे किस चीज की पढ़ाई करनी है, मुझे किस चीज का नॉलेज लेना है। पहले हम ये गोल क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपने उस गोल पे प्रोसेस करेंगे। हमको अगर टीचिंग बनना है, इंस्ट्रक्टर बनना है अगर मुझे, तो फिर मैं ITI डिप्लोमा करके CTI करने आई, CTI। पहले मैंने गोल्स बनाया ना हाई स्कूल में, मैंने गोल्स बनाए कि हाँ मुझे डिप्लोमा करना है। डिप्लोमा क्यों करना है, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है। मैंने ITI करना है, ITI करना है, डिप्लोमा करना है। मैंने हाई स्कूल से मैं डिप्लोमा करूंगी, फिर मैं CTI करूंगी, CTI के बाद मैं इंस्ट्रक्टर बन जाऊंगी। तो पहले अपना गोल्स को क्लियर करो कि आपको करना क्या है, उस पर फिर आप लर्निंग करो। मैं डिप्लोमा का लर्न करने लगी, डिप्लोमा पढ़ने लगी, उस हिसाब से फिर आप लर्निंग करो। पहले खुद को देखो ना, आप कर किस लाइन में जाना चाहते हो। अब आपको बनना है डॉक्टर और आप आ रहे हो इंस्ट्रक्टर की पढ़ाई करने, पढ़ रहे हो इंस्ट्रक्टर का, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। आप तो टीचिंग की लाइन की पढ़ाई कर लिए, अब आप कह रहे नहीं मुझे डॉक्टर बनना था। तो उसके लिए आपको पहले गोल्स करना पड़ेगा ना, आप किस चीज में जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। हमारा नेक्स्ट आता है हाउ टू सक्सेस लर्न बाय ऑन, मतलब फिर मैं किस हिसाब से सक्सेस हो सकती हूँ। डिसाइड दिस टूल्स वांट टू यूज, मैं पहले ये डिसाइड करूंगी मुझे किस चीज से पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट मैटर्स कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, हमारा रिसोर्स क्या होना चाहिए लर्निंग का, कौन सा यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करनी है, कौन सा गूगल में हम कौन सी वेबसाइट पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब हमारा यूट्यूब चैनल जो बना है उसमें अभी हम लोग स्टार्टिंग किया है, अभी 1 month भी नहीं हुआ है, सिर्फ 20 days हुआ है इस यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हुए हमारा। तो इसमें मैंने क्या किया, मैं इसमें सारे सब्जेक्ट CITS का और डिप्लोमा लेवल का और ITI लेवल का और CCC का और तैयारी का रीजनिंग वगैरह भी हम लोग इस पर अपलोड करेंगे। तो ये क्या है, हमारा एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत सारे रिसोर्स मिल रहा है, बहुत सारे पढ़ने का टॉपिक मिल रहा है। तो हम वो अपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा चैनल ही चूज करो पढ़ने के लिए, नहीं, आपको जहां से समझ में आ रहा है, जो चीज समझ में आ रहा है वहां से लो, जहां से आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है आप वो चीज नॉलेज लो, ना कि मेरा लो। आपको जहां आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है आप वही चीज गेन करो। पहले अपनी लाइफ में एक डिसाइड करो मुझे किस टूल से पढ़ना है, कौन सा मुझे बुक चाहिए, कौन सा मेरा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कौन सा हमारा यूट्यूब चैनल होना चाहिए, ये चीज पहले आप डिसाइड करो। कंफ्यूज नहीं हो कि मैं ये भी यूट्यूब तो चैनल से पढ़ूंगी, वो भी पढ़ूंगी, फिर मैं दोनों में कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज डिसाइड करो और अच्छा डिसाइड करो, मींस एक बहुत अच्छा डिसाइड करो, मींस आपके लिए बेनिफिट रहे। डिसाइड करने से पहले उसको 10 बार सोचो, आप जो डिसाइड करो वो अच्छा है, पढ़ाई कर पाओगे इससे, चलो ठीक है। अगर डिसाइड भी कर लिया नहीं समझ में आया, आप दूसरा चैनल देखो, दूसरा यूट्यूब देखो, बहुत सारे यूट्यूब में तो है, एक्सेप्ट करो पढ़ने के लिए। बस आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, मेन से सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। डिसाइड हाउ टू इवेल्यूशन इवेल्युएट, मैं हम कैसे अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, मीन्स हम कैसे अपने आप को जज करेंगे कि मैं कितनी पढ़ाई की हूँ, कितना मेरे को आ गया। मैंने तो हमने तो मैम का 4 वीडियो देख लिया, अच्छा अच्छा HTML का, अरे वाह अब तो मैं तो वीडियो देखे मतलब आ गया, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। आपने वीडियो देखा, अब आप एक टेस्ट डिसाइड करो कि मैंने ये चीज पढ़ा तो क्या मैं इसको कोडिंग कर पाऊंगी, ट्राई करो एक बार। अगर आप नहीं कर पा रहे फिर उसको सीखो ना, पहले खुद को एक जज करो कि आप कहाँ तक किस लेवल तक पहुंचे हो पढ़ने में, खुद को जज करो खुद को। या हमारे यूट्यूब पे कुछ पढ़ाने के बाद एक एग्जाम सेशन रखेंगे, आप उसको सॉल्व करो, क्यूज सॉल्व करो, नेट पे देखो MSQF कौन सा सॉल्व करो, सारे चीज सॉल्व करो ना, खुद खुद को खुद का टेस्ट लो, अपने आप का ही टेस्ट लो, आपको कितना आ रहा है वो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा खुद को सक्सेस करने के लिए, खुद सेल्फ लर्निंग करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए हमारे ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग को इवेल्युएट करना है, मेन हमारा इवेल्युएट होता है। हम पढ़ तो सब कुछ लिया, हमने तो डिप्लोमा तो पूरा कंप्लीट कर लिया, बट क्या डिप्लोमा मेरे को सब कुछ आता है, कितना आता है मेरे को, वो चीज पहले मैं इवेल्युएट करूंगी ना, क्या मेरे को ये टॉपिक अच्छे से आता है, ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, क्यों नहीं आता उस टॉपिक पे फोकस करेंगे पढ़ने के लिए, और जो अच्छे से आता है उसको भी रिपीट करते रहेंगे बीच बीच में। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हमारा ये एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ लर्निंग। हमारे एडवांटेज क्या होते हैं, हमने सेल्फ लर्निंग पढ़ा बट इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व स्किल, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है इसकी स्किल डेवलप हो जाती है। जैसे अगर मुझे कोई डाउट हुआ, मेरे को HTML कोडिंग में
मेरे को डाउट है कि हेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो डाउट है, तो मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ ना, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ कितने होते हैं, H1 से लेकर H6 तक सॉल्व हुई मेरी प्रॉब्लम, तो कैसे सॉल्व हुई, मैं उसको डेवलप कर ली प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको धीरे धीरे डेवलप करूंगी। सपोज ये हमारे इस प्रोग्राम में एरर आ रहा है, कहीं पे एरर है, हमारे जावा प्रोग्राम का भी मैं पब्लिक एक का एक क्लास बनाई हूँ, उसमें हमारे एरर आ रहे हैं, मैंने जो क्लास नेम से सेव किया वो फाइल मैंने फाइल से सेव नहीं किया होगा, ऐसे एरर आ रहे हैं। मैं सर्च करी गूगल पे, उसने बताया कि जो हमारे क्लास नेम के फाइल होने चाहिए वही फाइल हमारे वो हमारे जो प्रोग्राम है उसको वही फाइल से सेव होने चाहिए, वही नेम के फाइल से, तो हमारे उसमें एरर पता चला ना मेरे को, हाँ हमारी ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस टॉपिक में हमारे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व की स्किल अच्छी हो गई, कल का मैं टीच करने जाऊंगी बच्चे को एरर आया कहाँ पे आया, हाँ ये हो सकता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे पास सबसे बड़ा डेवलप होगा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व, हम किसी का भी प्रॉब्लम देख के तुरंत सॉल्व कर लेंगे, किसी का भी एरर देख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज हम मैम से पूछेंगे, मैम ने सॉल्व कर दिया तो उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुद से हम ढूंढेंगे, खुद से उसकी जिज्ञासा रखेंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा सेकंड एडवांटेज आता है, इट इज अ स्ट्रेस फ्री लर्निंग प्रोसेस, मतलब हमें स्ट्रेस नहीं रहती है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ये नहीं ना कि हमको 2 से 3 पढ़ना है तो हमारा यूट्यूब पे सिर्फ 2 से 3 ही ये चलेगा, मीन्स हमारा 2 से 3 ये लेक्चर चलेगा, मुझे 2 से 3 ही पढ़ना है, नहीं आप बाद में पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम नहीं ना, आप स्ट्रेस फ्री हो, आप रात में सोते टाइम पढ़ लो, ऐसे करके पढ़ सकते हो, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे इसी टाइम पढ़ना तो पढ़ना टाइम निकालना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, परमानेंट के लिए रहेगा। कॉलेज में क्या होता है, अगर आप एक दिन क्लास लेने नहीं गए तो आपको वो छूट जाता है ना, आप स्ट्रेस कर रहे हो मेरा छूट गया कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। आगे आते हैं, यू गेन अदर स्किल इन द प्रोसेस, और ऐसे क्या होता है हमारे अदर भी स्किल डेवलप हो जाते हैं, जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट, जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने टाइम तक पढ़ाई करेंगे, एक हम टाइम टेबल बना लिया ना, इतने टाइम तक हम ये पढ़ाई करेंगे और इतने टाइम तक हम खाना खाएंगे, इतने टाइम तक हम सोने जाएंगे, इतने टाइम तक हम दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, एंजॉय करने जाएंगे, इससे क्या मैंने टाइम को मैनेज किया, अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाया, अपने टाइम को मैनेज कर दिया, तो ऐसे हमारे टाइम मैनेजमेंट की स्किल हो गई, सेल्फ असेसमेंट, हम खुद सेल्फ असेसमेंट की स्किल हो गई, गोल्स, हम गोल्स अपना सेटिंग कर सकते हैं कि हमें क्या कौन सा गोल चाहिए तो हमें किस रास्ते पर चलना है, अपने रास्ते से भटकते नहीं, आपको इसी रास्ते पर चलना है तो आप यही गोल सेटिंग करो, ये हम काफी स्किल डेवलप कर सकते हैं इस तरह। और जैसे कि बहुत ज्यादा टास्क को परफॉर्म करने की डेवलप कर सकते हैं, अगर सपोज दैट हम CSA, हम मतलब CSA का आता है, हम CSA ट्रेड से पढ़े हुए हैं, बट हमें मेरे को इंटरेस्ट है ब्यूटिशियन में, तो हम क्या करेंगे यूट्यूब पे ब्यूटिशियन का वीडियो भी देखेंगे, उससे हमारा वो भी स्किल डेवलप हो गया, CSA तो डेवलप हो ही रहा साथ में वो भी डेवलप हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, अब मैं एडवांटेज ही देख रही हूँ, नेक्स्ट एडवांटेज हमारा द लर्निंग एक्सपीरियंस बिकम्स मोर मीनफुल, मीन्स हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो हमारे लिए एक मीनफुल, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे मीन्स पॉजिटिव वे में आ जाता है, कैसे मुझे लर्निंग करना है, हमारी जो एक्सपीरियंस है वो कैसे है, हम कैसे अपने आप को लर्न कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग कैसे कर सकते हैं, न्यू नॉलेज कैसे, नया नया नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं अपने आप में, जैसे बहुत सारा पर्टिकुलर पर्पस, मतलब एक पर्पस के लिए हमारा जो टॉपिक है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लो कैसे क्या है, पूरा अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं हम, इससे हमारा क्या होगा मीनफुल एक हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, इससे हमारी लर्निंग अच्छे से आ जाएगी, हम सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कोई भी टॉपिक के नॉलेज के लिए, तुरंत 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 लर्न कर सकते हैं, तुरंत सर्च किया तुरंत लर्न कर लिया, उसके लिए हमारे पास इंटरनेट की ज़रूरत है, उससे क्या होगा हम अपनी गोल्स का, मतलब हम एक खुद गोल्स देखेंगे हमको ये चीज़ चाहिए तो अपना रिजल्ट भी निकाल सकते हैं ना, कैसे हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं, हमें अगर हम इतनी पढ़ाई की हमारे इससे कितने मार्क आने वाले हैं, खुद को एनालाइज करके खुद का रिजल्ट निकाल लिया, सेल्फ लर्निंग किया फिर खुद का सोच लिया हाँ मैं अगर इतना करूँगी तो हमारे लिए इतना इतना चीज आएगा, इतनी इतनी प्रॉफिट होगी। ओके हमारा आता है लर्निंग क्यूरियोसिटी, मीन्स हमें लर्निंग में कितना इंटरेस्ट है, हम कैसे किस तरह लर्निंग कर सकते हैं, कितने इंटरेस्ट से लर्निंग कर सकते हैं, कितने टाइम हम पढ़ाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लर्निंग कितना हम दे सकते हैं अपने आप को, खुद से सर्टिफाइज होना कि हम कितने लेवल तक इंटरेस्ट जागरूक कर लें, फिर कितने लेवल तक हम अपनी जिज्ञासा रखनी है पढ़ने के लिए, कितने हमारे अंदर जिज्ञासा है उसकी नॉलेज के लिए, खुद से मोटिवेट हूँ मैं कि हाँ मैं मोटिवेटेड रहूँ हमेशा पढ़ने के लिए, इस तरह हम नॉलेज गेन कर सकते हैं।
सेकंड आता है ऑन मोड ऑफ लर्निंग, हम किस किस चीज से पढ़ रहे हैं, किस मोड से पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा यूट्यूब ट्यूटोरियल हो गया, वेबिनार, वेबिनार जो हमारे होते हैं हमारे कॉलेज में होते हैं, दूर से कोई कंपनी आती है वेबिनार देके जाती है, ऐसे क्लासेस में भी होते हैं। तो ऐसे वेबिनार ऑनलाइन क्लासेस हो रही भी, वेबिनार टाइप का ही हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस। बुक्स जो हमें मिलती है, हम कौन सी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को, मतलब हमको खुद से डिसाइड करना है हमें किस चीज से पढ़ना है जो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। हमें खुद से सेल्फ लर्निंग करनी, मतलब खुद से अपने आप को डिसाइड करनी है कि हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, खुद से कैसे सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। इस तरह हम अपने आप को चॉइस करेंगे, हम एक ही चीज चॉइस करेंगे, बेस्ट चॉइस करेंगे। चॉइस करने में मुझे टाइम लग सकता है, हाँ थोड़ा टाइम लग गया चॉइस करने में कि हम ये ट्यूटोरियल देखा, मेरे को एक इसका एक वीडियो छाया, लेकिन दूसरे का हमारा दूसरा वीडियो छाया, तो हम दोनों से पढ़ेंगे ना फिर हम उसका। अगर उसमें मोटिवेशन का वीडियो अच्छा है तो मैं मोटिवेशन पढ़ूंगी, इसमें शॉर्ट एनालिसिस का वीडियो अच्छा है शॉर्ट एनालिसिस पढ़ूंगी, पहले खुद को करूंगी ना मुझे लर्निंग कहाँ से अच्छी मिल रही है, मैं किसका वीडियो देख के अच्छे समझ पा रही हूँ, मुझे किससे समझ में अच्छे से आया। वो समझना भी बहुत बड़ी चीज होती है, आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है। कुछ कुछ लोगों को ना मतलब जैसे मस्ती मजाक में समझना अच्छा लगता है, तो उनको साथ मजाक जो सर होंगे वो मजाक मजाक के साथ पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत हंसा दिया, थोड़ा सा वो कॉमेडी ले आया, तो कुछ लोगों को वो वीडियो अच्छी लगती है तो वो उस वीडियो को देखेंगे। कुछ लोगों को सीरियसली पढ़ना समझ में आता है कि बस सिर्फ उसमें लेक्चर और इम्पोर्टेंट बातें हो, तो वो वीडियो अपने लिए जज करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस चीज से पढ़ना चाहते हो, सेल्फ लर्निंग कैसे करना चाहते हो। जैसे आता है हमारा द लर्निंग बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ लर्निंग फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए बेनिफिट क्या है सेल्फ लर्निंग, क्यों बेनिफिट है सेल्फ लर्निंग। तो हम बात करते हैं ट्रेनिंग लर्न मोर इफेक्टिव, मतलब अगर ट्रेनिंग लर्न करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और इसका जो टॉपिक होता है वो स्टडी हो जाता है। ट्रेनिंग अगर अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ता है तो सेल्फ सिस्टम मतलब डाउन सेल्फ सिस्टम बूट होता है, और इससे जो है ट्रेनिंग का जो लर्न होता है वो स्पीड बहुत अच्छे से हो जाता है, वो अच्छे से अपने आप को लर्न कर सकता है। उसके अंदर एक्यूरेसी मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है, वो पढ़ने में काफी अच्छे से इंटरेस्ट रख सकता है। तो इस तरह से हम बेनिफिट बोल सकते हैं इसको, किन कहते हैं खुद मतलब टेनिस के लिए बेनिफिट क्या होता है। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, आप किस चीज से पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ना क्या है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले वो डिसाइड करो आप किस लाइन में जाना चाहते हो, फिर उस हिसाब से सेल्फ लर्निंग करो। सेल्फ लर्निंग के साथ साथ इवेल्युएट करो, मीन्स अपने आप को जज करो कि आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, ये चीज भी आप करो। ओके, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है सेल्फ लर्निंग। नेक्स्ट हम BCS में बात करेंगे मोटिवेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोग कोई डाउट हो इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। ओके, बाय।